हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग टॉप 6 बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जिससे आप अपना हर एक क्लैश स्क्वाड गेम को इजीली विन कर पाओगे। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दो। हम लोग ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोज लाते रहते हैं। एंड गाइस इस वीडियो का लाइक एम रख रहे हैं 38K लाइक। उम्मीद है आप लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे। एंड एक दोस्त के साथ शेयर भी कर देना ताकि हमारा चैनल डाउन ना हो जाए। एंड गाइस पिछले वाला वीडियोज का जो गिव अवे का विनर था उसका यूआईडी मैं कमेंट पे पिन कर रहा हूं। एंड इस वीडियो पे भी 400 का टॉप अप का गिव अवे है। आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए करना कुछ भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना है। एंड उसके बाद अपने एक दोस्त के साथ एटलीस्ट शेयर करना है वीडियो को। जितना ज्यादा आप शेयर करो उतना ज्यादा आपका जीतने का चांसेस बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद आपको अपना यूआईडी कमेंट करना है कमेंट बॉक्स पे बस। सो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट टिप्स की ओर। सो हमारा जो फर्स्ट टिप्स होने वाला है वो है गाइस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो आप लोगों को तो पता है गाइस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड अभी गेम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर आ चुका है। तो सबसे पहले तो गाइस देखो, आपके पास अगर कोरोना है तो कोरोना सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। कोरोना है तो कोरोना ले लो। अगर आपके पास कोरोना नहीं है तो आप डीजे अलोक ले सकते हो या फिर के ले सकते हो। अगर ये दो भी नहीं है तो आप उकोंग को ले सकते हो। ठीक है, तो ये चार जो है एक्टिव कैरेक्टर आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको जो स्किल लगाना है वो बताता हूँ क्या क्या लगाना है। सबसे पहले तो आपको हयातो लगाना है। देखो हयातो क्या करता है, आपका डैमेज इंक्रीज करता है शॉर्ट रेंज का। तो हयातो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्लोज रेंज पे। उसके साथ साथ आपको लगाना है केली, जो कि आपको परमानेंट स्पीड देगा 6% का, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको लगाना है गाइस एंटोनियो का एबिलिटी। काफ़ी टाइम पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है। तो एंटोनियो का जो एबिलिटी है वो आपको एक्स्ट्रा एचपी देता है। एंड काफ़ी टाइम पे हीलिंग बैटल पे भी काम आता है एंटोनियो का एचपी। तो एंटोनियो का एचपी लगा सकते हो आप क्लैश स्क्वाड के अंदर। ये जो चार कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दिया ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसके अलावा आप हयातो को चेंज करके मोको लगा सकते हो अगर आप पहले पहले आया हो, या फिर आप सीरो का एबिलिटी को भी लगा सकते हो। काफ़ी सही कैरेक्टर है, अभी तक तो गेम के अंदर आया नहीं है बट पहले से ही मैं बता रहा हूँ सीरो लगा सकते हो आप। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने दिया, ये बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है क्लैश स्क्वाड के अंदर, आप लोग यूज़ करना। सो ये बढ़ते हैं सेकंड टिप्स की ओर। सो जो सेकंड टिप्स है वो है ये स्ट्रेटजी में क्या होता है गाइस, आपका जो तीन बंदा होगा वो सामने से जाएगा एंड एक बंदा गाइस पीछे से घूम के जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे पीछे से घूम के जा रहा हूँ। इससे क्या होता है गाइस, देखो जो मिडिल पे बंदे रहते हैं ना उसको घेर लिया जाता है, मतलब घेर के मारा जाता है। जैसे देखो मेरा तीन बंदे सामने है एंड मैं साइड से आ चुका हूँ पीछे के साइड पे, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ इधर से आके अच्छा से बैकअप दे रहा हूँ। एंड ये जो मिडिल के बंदे हैं ये चारों तरफ से घेर चुका है, अब इनका बचने का कोई उपाय नहीं है। मतलब चारों तरफ से पड़ेगा तो कोई संभाल नहीं सकता गाइस इजीली। ठीक है, तो यही बात कर रहा हूँ गाइस, एक बंदे को घूम के फुल रोटेट मार के पीछे के साइड पे आ जाना है और तीन जो बंदे होंगे उनको सामने रखना है और फायर करता रहना है उन लोगों को, ताकि इन लोगों का ध्यान भटका रहे उन तीनों पे। ठीक है, एंड आप पीछे से आके उन लोगों को मार सकते हो इजीली। एंड अगर वो अकेले बंदे के पास बंदा रश करता है तो आप तीनों को तुरंत रश करना पड़ेगा, वरना अकेले पे अगर चार बंदे रस कर देंगे तो मर जाएगा गाइस। ठीक है, कभी भी अपना पोजीशन को रिवील नहीं करना है जो पीछे से रोटेट मार रहा है उसको गाइस, क्योंकि वो अगर पोजीशन रिवील कर देगा तो चार बंदे ऑब्वियसली उसके ऊपर चढ़ जाएंगे एंड मर जाएगा बंदा। ठीक है, तो पोजीशन रिवील ना करते हुए उसको जो है पीछे के साइड पे आना है एंड आप तीन जो बंदे होंगे उन तीनों को सामने रहना है एंड फायर करता रहना है ताकि इन लोगों का ध्यान भटका रहे। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, आप लोग यूज़ करके देखना। सो ये बढ़ते हैं हमारे थर्ड टिप्स की ओर। सो हमारे जो थर्ड टिप्स है वो है गाइज फर्स्ट राउंड। सो देखो काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं गाइज, फर्स्ट राउंड के अंदर या तो कला से मारता है या फिर गाइज यूएसपी लेके, और यहाँ पे आप लोग गलती कर जाते हो। एंड फर्स्ट राउंड गाइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है गेम को विन करवाने में। मतलब देखो क्या होता है, फर्स्ट राउंड पर अगर वो लोग आप लोगों को मार देते हैं, आप लोग यूएसपी कला लेके मारने की कोशिश करते हो एंड फेल हो जाते हो एंड वो लोग आपको मार देते, तो ऑफकोर्स उन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे आपसे। ठीक है, तो वो लोग जो है डबल वेक्टर या कोई अच्छा गन खरीद सकता है और आप लोग मतलब नॉर्मल गन खरीद सकते हो। तो सबसे बेटर ये है फर्स्ट राउंड जीतने का पूरा ट्राई करो, मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर जो आपको पसंद, जैसे M500 या फिर G18 वाले को रखो एंड अच्छे से खेलो फर्स्ट राउंड, क्योंकि फर्स्ट राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप फर्स्ट राउंड जीत जाते हो तो सेकंड राउंड पे गाइस उन लोगों को गन नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड पे उन लोगों के पास डेजर्ट ईगल होगा एंड वन ग्लू वॉल होगा एंड आप लोगों के पास MP5 होगा, तो आप जो है इजीली सेकंड राउंड भी निकल सकते हो अगर आप फर्स्ट राउंड जीत जाते हो तो। एंड जैसे सेकंड राउंड स्टार्ट होता है वैसे आपका जो चार बंदे होंगे उनको तुरंत रश करना है उनके ऊपर, क्योंकि देखो एक एक करके जाओगे तो एक एक करके मार सकते हो लोग। तो चार जाओगे MP5 लेके तो इजीली जो है आप राउंड को निकाल सकते हो। तो फर्स्ट राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है, फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सभी ऐसे हरकत मत करो जिसके वजह से आप पूरा गेम को हार जाओ।
तो फर्स्ट राउंड अच्छे से जीतना है आप लोगों को। सो ये बढ़ते हैं हमारा फोर्थ टिप्स की ओर। तो हमारा जो चार नंबर टिप्स होने वाला है वो है गाइस देखो लॉन्ग रेंज का कवर। सो आप में से एक बंदे को जो है लॉन्ग रेंज का तगड़ा कवर देना है। आप एक ऐसा बंदे को खिलाओ अपने स्क्वाड में जो तगड़ा लॉन्ग रेंज पे बैकअप मार सकता है। मतलब देखो अगर आपका एक भी बंदे को डाउन होता है तो उस टाइम पे वो बंदा जो है आपको बैकअप देगा लॉन्ग रेंज से एंड उन लोगों को आने नहीं देगा वो डाउन वाले बंदे के पास। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बैकअप दिया इन लोगों को एंड इजिली यहाँ पे जो है पूरा स्क्वाड खत्म हो गया। तो आपको ऐसा बंदा रखना है जो हैवी डैमेज मार सकता है, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज मार सकता है कम समय के अंदर। या तो कोई AWM वाले को रखना है या फिर कोई ऐसा बंदे को रखना है जो इजिली हेड मार सकता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे डबल AWM लिया, तुरंत एक बंदा आया, तुरंत उस बंदे को डाउन कर दिया। अब कितना ज्यादा एडवांटेज मिला मेरा ये तीन टीममेट को आप समझ ही सकते हो। करना कुछ भी नहीं है, एक बंदे को पकड़ा देना है कोई लॉन्ग रेंज का गन जैसे AWM हो गया, AK हो गया, ऑग हो गया जो अच्छा चलाता है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपका जो तीन टीममेट होंगे उन तीन टीममेट को आगे भेज देना है, मतलब सामने फाइट करने के लिए भेज देना है। एंड आपको बस बैकअप मारता रहना है, मतलब बैकअप मतलब उन लोगों के ऊपर अगर कोई सा भी बंदा रश करता है तो आप जो है अच्छा खासा डैमेज कर सको, ऐसे बंदे को रखना। एंड आपका जो तीन टीममेट होंगे उन तीन टीममेट को आगे भेजना एंड तीन टीममेट को बोलना जिससे आप बैकअप दे सको ऐसे जगह पे रहे। मतलब ये देखो जैसे सामने घर है ना, अभी मैं यहाँ से बैकअप मार सकता हूँ। मतलब अगर ये तीन बंदे घर के उस साइड पे चले जाते तो मैं बैकअप नहीं दे सकता था, तो मैंने बोला घर के इस साइड पे रहो ताकि मैं बैकअप अच्छे से दे सकूँ। ओके, इस तरह से रखना। सो ये बढ़ते हमारा फिफ्थ टिप्स की ओर। सो हमारा जो पाँच नंबर टिप्स है वो है गाइस देखो आपका टीम को जो लीड कर रहा है ना उसको हमेशा थोड़ा सा पीछे रहना है। जैसे मान लो मैं इस टीम को लीड कर रहा हूं, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को थोड़ा सा पीछे रहना है एंड मेरे को डाउन नहीं होना, क्योंकि जो लीड करता है वो अगर डाउन हो जाता है तो आपका जो टीममेट होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस हो जाता है वो एकदम से लो हो जाता है। तो हमेशा क्या करना है गाइस, आपका जो लीड करने वाला होगा उसको थोड़ा सा पीछे रखना एंड जो तीन बंदे होंगे उनको थोड़ा सा आगे रखना। एंड ऐसा नहीं है कि आपको डाउन होना है, आपको पूरा कवर लेके खेलना है। जैसे ही एक बंदे को डाउन करोगे पूरा के पूरा चार बंदे को उस जगह पे रश करना है, क्योंकि देखो उसको बचाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो अगर आप रश कर देते हो तो आप जो है इजीली मार सकते हो उस बंदे को। जैसे देखो यहाँ पे तीन बंदे डाउन हो गए, मेरे पूरा स्क्वाड मेट रश कर दिया एंड यहाँ पे इजीली मैंने जो है विन निकाल लिया राउंड को गाइस। ठीक है, तो आपको हमेशा ट्राई करना है, टीम को लीड कर रहा है वो जिंदा रहेगा तो इजीली जो है गेम को विन कर सकते हो एंड आपका टीम का पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। सो ये बढ़ते हमारा छह नंबर टिप्स की ओर। सो हमारा जो सिक्स टिप्स होने वाला है वो है गाइस होल्ड गेम। मतलब देखो आपको एकदम लास्ट जोन तक होल्ड करना है, तो इससे क्या होगा जो उनके बंदे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड वो लोग जो है खुद से रश करेगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे थे, ये लोग खुद से आए एंड खुद से पीट गए गाइस। मतलब ऐसा ही होगा, अगर आप होल्ड गेम करोगे ना तो सारे बंदे क्या करते हैं रश कर देते हैं इजिली एंड वो लोग जो है मर जाते हैं गाइस। ठीक है, इसको आप तब यूज करना जब बहुत तगड़ा स्क्वाड आए हो सामने एंड उस टाइम पे आप मतलब हार रहे हो, उस टाइम पे आप अगर होल्ड गेम करते हो ना चारों के चारों बंदे बस होल्ड करो, अगर आप होल्ड करते हो तो आप जो है इजिली राउंड निकाल सकते हो एंड सामने वाले बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे एंड सामने वाले बंदे जरूर आपके ऊपर रस करेंगे गाइस। ठीक है, एक एक करके सारे बंदे मर जाएगा। एंड इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो, लास्ट जोन पे ग्रेनेड का बरसात कर सकते हो गाइस, इससे भी सामने वाला स्क्वाड जो होगा वो बच नहीं पाएगा। होल्ड गेम के अंदर यही दो चीज का आपको फायदा उठाना है, एक तो ग्रेनेड हो गया, दूसरा आपको रस नहीं करना, आपके चार बंदे को एक जगह पे जहाँ पे जोन बनेगा उस जगह को पूरी तरह से कवर कर लेना है। जैसे देखो हम लोगों ने कवर कर लिया, अब इस बंदे को यहाँ पे आना ही होगा, तो आते आते वो फिनिश हो गया गाइस। तो इस तरह से जो है आप होल्ड गेम खेल के भी विन कर सकते हो, ये भी बेस्ट तरीका है एक तरह से। एंड गाइस यहाँ पे देखो इतने सारे आइटम जो है हम लोगों को फ्री में मिला है एंड ये सारे आइटम जो है गेम के अंदर आने वाला है एंड काफ़ी सारे आइटम जो है फ्री में भी मिलेगा एंड उसके अलावा कुछ पेड आइटम भी है। मैं आप लोगों को कुछ आइटम्स दिखाता हूँ गाइस, देखो यहाँ पे क्या कुछ आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी का स्किन देख लो, लैम्बोर्गिनी का स्किन देख सकते हो, एकदम ओपी वाला लग रहा है। उसी के साथ साथ बाइक का स्किन एंड उसके साथ साथ दो दो बैकपैक है देख सकते हो, शायद से एक पेड वाला या फिर एक फ्री वाला हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लूट कैरेट भी है दो दो एंड सर्फ बोर्ड भी है देख सकते हो, काफ़ी सही सर्फ बोर्ड है। उसके अलावा पैरासूट भी है एंड ये वाला पिन भी है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे इमोट हो गया या फिर कटाना का स्किन हो गया, ग्लूवल का स्किन हो गया, ग्रेनेड का स्किन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना एंड उसके बाद अपना UID को कॉमेंट कर देना गाइज। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।